हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके फैंस। सो अज आप डिस्कस करांगे कंप्यूटर साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। सो इस सीरीज़ का मैं पार्ट 3 लेके आ रहा। अगर तुसी मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो साडे यूट्यूब चैनल जीके फैन नू सबसक्राइब कर लो। तुसी साडे फेसबुक के उपर पेज भी लाइक कर सकते हो जीके फैंस लई, तां कि तुहानू आने वाली अपडेट्स मिलदी रहन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अज्ज दी वीडियो। सो अज दा फर्स्ट क्वेश्चन है जी, द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शंस इज कॉल्ड। कंप्यूटर का केड़ा पार्ट है जेड़ा कोऑर्डिनेशन करता है ऑल फंक्शंस दी, ये करता है जी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट्स की है, कंट्रोलिंग करता है, कोऑर्डिनेशन करता है सारे पार्ट्स दी, ऐसे करके इसनों बोलते हैं जी कंट्रोल यूनिट। ALU अरथमैटिक लॉजिक यूनिट्स। अरथमैटिक लॉजिक यूनिट दे विच ऑल जिहड़ियां कैलकुलेशनस हुंदियां ने, मैथमैटिकल कैलकुलेशनस, ये सारियां हुंदियां ने ALU दे अंदर। रैम एंड रोम, ये दोनों की ने जी प्राइमरी मैमरी। रैम नू बोलते हैं रैंडम असैस मैमरी, एंड रोम नू बोलते जी रीड ओनली मैमरी। नैक्सट क्वेश्चन, डैश रीप्रजेंट्स रॉ फैक्ट्स एंड डैश इज मीनिंगफुल डाटा। रॉ फैक्ट्स कि चीज़ है रीप्रजेंट करती है रॉ फैक्ट्स में, वो कहते जी डाटा। डाटा की होंगे सिंपल रॉ फैक्ट्स होंगे, जो आप उपर प्रोसैसिंग करते हैं एक मीनिंगफुल डाटा क्रिएट हो जाता है, उसनों बोलते हैं जी इनफॉर्मेशन। इनफॉर्मेशन इज़ अ मीनिंगफुल डाटा, एंड डाटा डाटा इज आ रीप्रजेंट रॉ फैक्ट्स, जोड़े सिंपल रॉ फैक्ट्स होंगे जिन्हों का कोई मीनिंग नहीं, उसनों असं सिंपल डाटा कहने। जिहड़ियां भी साढ़े को फिगर्स नहीं है उसनों असं डाटा कहांगे। जो उस उपर प्रोसैसिंग करते एक मीनिंगफुल डाटा क्रिएट हो गया, उसनों बोलेंगे असं इनफॉर्मेशन। सो इस क्वेश्चन का जोड़ा आंसर है जी बी, डाटा रीप्रजेंट रॉ फैक्ट्स एंड इनफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल डाटा। सो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी, द फंक्शन ऑफ CPU। CPU का की फंक्शन होंगे, CPU की करता है इंस्ट्रक्शनस नू रीड करता है, फिर इंटरप्रेट करता है, एंड आफ्टर दैट प्रोसैसिंग करता है। प्रोसैसिंग तो बाद के एक मीनिंगफुल डाटा क्रिएट हो जाता है जिसनों असं इनफॉर्मेशन कहने। सो जिहड़ा CPU का मेन फंक्शन है टू रीड इंटरप्रेट एंड प्रोसैस द इनफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शनस। सो ये हैगा जी राइट आंसर। पहला क्वेश्चन पहली ऑप्शन देख सकते हैं आप, टू प्रोवाइड एक्सटरनल स्टोरेज। CPU के एक्सटरनल स्टोरेज प्रोवाइड करता है? नहीं, एक्सटरनल स्टोरेज सानू प्रोवाइड करते जी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के अंदर की है असी कोई भी डाटा सेव करते हैं, इसलिए हार्ड डिस्क सानू एक्सटरनल स्टोरेज प्रोवाइड करती है। टू कम्युनिकेट विद ओपरेटर, कि ओपरेटर नाल कौन कम्युनिकेट करता है? ओपरेटर होंगे जी कंप्यूटर नू चलाने वाला परसन, जिहड़ा उसनू ओपरेट करता है उसनू बोलते हैं ओपरेटर। सो उस दे नाल कौन कम्युनिकेट करता है? वह करता जी कीबोर्ड के थ्रू, कीबोर्ड के नाल ही कम्युनिकेशन करता है, क्योंकि कीबोर्ड के राही ही कोई भी इनपुट देगा वह कंप्यूटर नू। सो नैक्सट देखते हैं जी, डैश इज़ द प्रोसैस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। सो कंप्यूटर दे विच की एक प्रोग्राम होंगे ने, एक लैंग्वेज होंगी है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी एक लैंग्वेज का नेम है, एक C++ लैंग्वेज होंगी है, एक सब तो फेमस जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसनों बोलते जावा। उस दे विच के प्रोग्राम होंगे ने, उस दे विच के सैट ऑफ इंस्ट्रक्शनस दित्तियां होंगे ने। सपोज करो उसने कंप्यूटर नू 10 इंस्ट्रक्शनस देतिया, वो कंप्यूटर की है सिंगल सिंगल करके उसनों फैच करता है। फैच मीनस पिक करता है, एंड उस दे उपर की करता है एग्जीक्यूशन, उस दे उपर करता है जी एग्जीक्यूशन। सो इस जिहड़ा क्वेश्चन का आंसर हैगा जी एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन इज़ अ प्रोसैस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। सो एग्जीक्यूशन एक प्रोसैस होंगे जिस दे विच जिन्नी भी कमांड्स दित्ती जांदी है उनू कैरिंग आउट करते हैं आपां। उस जिहड़ियां कमांड्स होंदियां उनू इंस्ट्रक्शनस भी बोलते हैं। सो जिहड़ी एग्जीक्यूशन है एक ही, इट इज़ अ प्रोसैस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स और इंस्ट्रक्शनस। फैच करना होंदा किसी चीज़ नू, पिक करना एंड स्टोर करना। जो कोई आपां प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लिया उस दे बाद कोई रिजल्ट आएगा उसनू असीं सेव कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। नैक्सट देखते हैं जी, द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम। जिहड़ा कंप्यूटर असी वर्ड पिक किया है, यह केड़ी लैंग्वेज तो पिक किया है जी? इत्थे जर्मन, फ्रेंच, अरेबिक, लैटिन, ये सारिया लैंग्वेज के नेम ने। जिहड़ा कंप्यूटर वर्ड असी पिक किया है ये किया है लैटिन लैंग्वेज तो। यह सब तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो काफ़ी बार एग्जाम च पूछा गया, वेरी इंपोर्टेंट। कंप्यूटर केड़ी भाषा तो लगे जी? लैटिन। नैक्सट देखते हैं जी, Who is the inventor of difference engine? So जिहड़ा difference engine बनाया गया एस दे इनवेंटर कौन ने? एस दे इनवेंटर है जी चार्लेस बैबेज। चार्लेस बैबेज नू फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है।
सब तो ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्लेस बैबेज। इन्हना ने ही इंजन बनाया सी जिसनों डिफरेंस इंजन बोलते सी, और एक होर इन्हना ने इंजन बनाया सी जिसनों बोलते सी एनालैटिकल इंजन। डिफरेंशियल इंजन एंड एनालैटिकल इंजन दोनों दे जिहड़े फादर ने वो हैगे जी चार्लेस बैबेज, जिस करके उन्हां नू फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट देखते हैं जी, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? आप ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, फादर ऑफ कंप्यूटर है जी चार्लेस बैबेज। सब तो ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है जी ये एग्जाम दे विच। नेक्स्ट है जी, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? पहला आप कल कंप्यूटर की गल की सी, हूँ कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट है जिस दे सारिया लैंग्वेज डिस्कस करते हैं, कंप्यूटर के नाल सब्जेक्ट जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम, जावा लैंगुएज, सी लैंगुएज, ये सारा कंप्यूटर साइंस का की है पार्ट ने गे। सो जो कंप्यूटर साइंस के फादर ने वो है जी एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग ये ने जी फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है जी, फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर केड़ा है जी? जिसनों असी पीसी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म के, पीसी मीनस पर्सनल कंप्यूटर, जेडे असी घर आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर उसनों बोलते हैं जी पर्सनल कंप्यूटर। सो जेडे पर्सनल कंप्यूटर के फादर ने वो है जी एडवर्ड रॉबर्ट। एडवर्ड रॉबर्ट फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं जी, सीपीयू कंटेन। सीपीयू दे विच मेन मेन केड़े-केड़े चीज़ा होंदिया ने? सीपीयू दे विच मेन चीज़ा होंदिया ने कंट्रोल यूनिट एंड ALU, अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट। दो सब तो मेजर कंपोनेंट होंदे ने सीपीयू दे, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू एक चिप होंदी है, सो उस चिप नू बोलते हैं जी सीपीयू। इस नू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं क्योंकि यह मेन चिप होंदी है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम की होंगे जी? एक सॉफ्टवेयर होंगे, मेन सॉफ्टवेयर होंगे जो सब तो पहला कंप्यूटर के उपर इंस्टॉल किया जाता है। कंप्यूटर की है एक कला हार्डवेयर होंगे, सब तो पहला जो आप मैनुफैक्चरिंग करते हैं एक हार्डवेयर होंगे, असी सीधा ही हार्डवेयर नू की है आप चला नहीं सकते, इसलिए सब तो पहला जो फर्स्ट मेन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है जिसनों असी विंडोज़ कहने वो होंगे जी ऑपरेटिंग सिस्टम। जिहड़ी विंडो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप है। सो आप विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, फिर उसनों आप चला सकते हैं। सो यूज़र अते ऑपरेटिंग सिस्टम के विचाले जिहड़ी चीज़ इंट्रैक्ट करती है वो है जी यूज़र इंटरफेस। यूजर इंटरफेस की कंट्रोल करता है इंट्रैक्शन बिटवीन यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरह तुम्हें कंप्यूटर ऑन किया, थोड़ा डेस्कटॉप दिखाई दे रहा, उसके उपर आइकन दिखाई दे रहे हैं, वो की है यूजर इंटरफेस, कि यूजर उसनों ईजीली चला सके। सिंपल की है, आइकन देखोगे, आइकन के उपर क्लिक करोगे तो ओपन करोगे, वो जो थोड़ा मेन डिस्प्ले दिख रही है उसनों बोलते हैं जी यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट देखते हैं जी, द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्रामेड यूजिंग। जिहड़े सब तो ज़्यादा फर्स्ट टाइम के उपर कंप्यूटर बनाए गए सी उस दे उपर प्रोग्रामिंग की गई सी, तो उस दे विच केड़ी लैंग्वेज यूज़ की गई सी? उस यूज़ हुंदी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैवल लैंग्वेज हुंदी है, यह लो लैवल लैंग्वेज हुंदी है, इस दे विच कल्ली 0 एंड 1 हुंदा है, दो डिजिट ही यूज़ करते हैं 0 एंड 1। इस नू रीड करना साडे लई ह्यूमन परसन लई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुंदा है। सो जिहड़ी पहला लैंग्वेज यूज़ हुंदी सी मशीन लैवल लैंग्वेज, ये कल्ले साइंटिस्ट यूज़ करते सी कंप्यूटर्स के अंदर, इस नू रीड करना बहुत मुश्किल सी। उस तो बाद असैम्बली लैंग्वेज आई जिस दे विच असी छोटे छोटे मनीमोनिक कोड्स यूज़ करन लग गए, सो थोड़ा जिहा ईजी हो गया सी ह्यूमन परसन लई। बट उस तो बाद आ गई जी हाई लैवल लैंगुएज। हाई लैवल लैंग्वेज के अगर प्रोग्रामिंग करते हैं देखने विच बिल्कुल वह इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होंगी है, तो जिसनों चलाना ह्यूमन लई बिल्कुल आसान है। सो तीन तरह की लैंग्वेज हो जाती साडे कोल, लो लैवल लैंग्वेज जिसनों असी मशीन लैवल लैंग्वेज बोलते हैं, फिर आई सी असैम्बली लैंग्वेज, एंड उस तो बाद आई है जी हाई लैवल लैंग्वेज। जिहड़ियां साडियां इह लैंग्वेज ने सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, ये सारियां की ने हाई लैवल लैंग्वेज ने। सब तो पहला जी यूज़ हुई सी वो मशीन लैंग्वेज सी जिस दे विच ओनली 0 एंड 1 होंदी सी। नेक्स्ट है जी, डैश इज़ अ कंबीनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसिस। वो हार्डवेयर अते सॉफ्टवेयर का जिहड़ा कंबीनेशन है जिस दे नाल असी इंफॉर्मेशन नू शेयर कर सकते हैं, उसनू की बोलते हैं? उसनू बोलते जी नैटवर्क।
ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਰੂਮਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨੈਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ, ਬੱਸ ਟੋਪੋਲੋਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਟਵਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਐਂਡ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਨੈਟਵਰਕ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਫੋਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ 5 ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿ 5 ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਡਡ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਗੇਨ ਅਸੈਸ ਟੂ ਅ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਆਰ ਕਾਲਡ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡਡ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਓਨਲੀ ਸਟਾਰ ਸਟਾਰ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਓਨਲੀ ਡੋਟ ਡੋਟ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਟਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਕੋਡਡ ਐਂਟਰੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅਸੈਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਪਾਸਵਰਡਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ ਕੋਡਡ ਐਂਟਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਯੂ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਫਾਈਲਸ ਬਾਏ ਸਟੋਰਿੰਗ ਦੈਮ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫੋਲਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੀ ਡਰਾਈਵ, ਡੀ ਡਰਾਈਵ, ਈ ਡਰਾਈਵ। ਸੀ ਡਰਾਈਵ ਡਿਫੋਲਟ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਉਹ ਡੀ ਡਰਾਈਵ, ਈ ਡਰਾਈਵ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਫੋਲਡਰ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਪਿਕਚਰਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਿਕਚਰ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫਾਈਲਸ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਈ ਜਾਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੋਲਡਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਫੋਲਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਲਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਬੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਕੋਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਇਨ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ, ਰਿਸੋਰਸ ਮੀਨਸ ਡਿਵਾਈਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 5 ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਲਈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ 5 ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫੋਰ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਪਏਗੀ ਜੀ ਮੋਡਮ ਦੀ। ਮੋਡਮ ਕੀ ਹੈ? ਡੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸਿਗਨਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਡਮ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਗਵਾਉਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਡਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਵਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਟ ਪੈਨ। ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਪੈਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਪਰਪਜ਼ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਰਟਿਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਟੂਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰਾਇੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਟ ਪੈਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਪੈਨ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਉੱਪਰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਆਪਟੀਕਲ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਆਪਟੀਕਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਨੀਵੈਕ। ਯੂਨੀਵੈਕ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਸਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਯੂਨੀਵੈਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਕਾਫੀ ਬਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੀ ਡੀ ਰੋਮ। ਸੀ ਡੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਸੀ ਡੀ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਮੂਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਡੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਸਕ।
कॉम्पैक्ट डिस्क ते सीडी रोम। सीडी रोम दी फुल फॉर्म हैगी जी कॉम्पैक्टेबल रोम दी हैगी रीड ओनली मेमोरी, कि तुसी कल्ली रीड कर सकदे हो, मैं इस दे विच राइट नहीं कर सकदे। सो साडा जिहड़ा सीडी रोम दी फुल फॉर्म है कॉम्पैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो वधिया लगी प्लीज़ वध तो वध शेयर करो, वीडियो नू वध तो वध शेयर करो, और प्लीज़ डू सबसक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल जी के फैन। साडे यूट्यूब चैनल का नाम है जी जी के फैन। हुण लोगो आएगा उस उपर क्लिक करके साडे यूट्यूब चैनल नू सबसक्राइब कर लो, ताकि तुसी आने वाली हर वीडियो देख पाओ। थोड़ू कोई भी स्पैशल वीडियो चाहिए, कोई थोड़ा सजेशन है, कोई क्वेरी है, प्लीज़ राइट इन अ कमेंट बॉक्स। और कोई स्पैशल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।